हेलो फूडीज, आतिश फूडी मील्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात का फेमस गुजराती खमन ढोकला। ढोकला आपने बहुत बार बनाया होगा, मगर हमेशा ही वो परफेक्ट बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज हम जो मेजरमेंट बताने वाले हैं, उससे आपका ढोकला कभी भी नहीं बिगड़ेगा अगर आप उसी मेजरमेंट से बिल्कुल उसी तरीके से बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। खमन ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, रेडीमेड बेसन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आपके पास जो हो अवेलेबल आप उसे यूज़ कर सकते हैं। 120 ml का मेरा कप है मेजरमेंट का, और मैं इसे 3 कप यहाँ पर बेसन को मेजर करने वाली हूँ। थोड़ा दबा दबा कर लेना है हमें। कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है हींग। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर हींग का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी, 4 टेबलस्पून हम इसमें शुगर ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो खमन ढोकला है वो खट्टा मीठा होता है और ऐसा ही हमें चाहिए। 1 टेबलस्पून हम इसमें नींबू का सत इस्तेमाल करने वाले हैं, इसे सैट्रिक एसिड भी कहते हैं। 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। मिक्सर का जार हमारा यहाँ पर बहुत छोटा हो गया है, मैं बड़े जार में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप पहले से ही बड़ा जार ले लीजिए। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं पानी। जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से मैं यहाँ पर 2 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, और इसे हम बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लें। खमन के बैटर को हमने रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बैटर हमने बाउल में निकाल लिया है। अब मैं उसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबल को भी हम बहुत अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे रेस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये बनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। बैटर को हमने तब तक 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा है। तब तक मैं यहाँ पर ढोकले का जो हमारा ट्रे है उसे मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ढोकले को फुलाने के लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 छोटा टीस्पून मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। इस पे हम डालेंगे करीब 1 चम्मच के करीब पानी, और इसे हम बहुत ही जल्दी जल्दी मिक्स करने वाले हैं। और जब तक हमारा बैटर फूल रहा है तब तक मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रखा है एक कढ़ाई में। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत चेंज हो गया है और ये कितना बढ़िया सा फूल रहा है। बस ऐसे ही एक ही साइड में हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, और ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे बेकिंग ट्रे में निकाल लेंगे। कढ़ाई में मैंने पहले से पानी डालकर उबालने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने एक नींबू का टुकड़ा डाला है। अब मैं उसमें डालूंगी हमारा बेकिंग ट्रे रखेंगे हम उसमें, और इसे हम झक्का स्टीम होने देंगे। इसे 15 से 20 मिनट हम ऐसे ही फुल स्पीड पर स्टीम होने देंगे। ढोकले को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे नाइफ डालकर चेक कर लेंगे एक बार, अगर ये क्लीन निकल कर आती है मतलब ये पक चुका है। आप देख सकते हैं ये पक चुका है और हाथ को भी बिल्कुल टच नहीं हो रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे। खमन ढोकले का जो स्टीम है वो निकल चुका है और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम उसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड करने वाले हैं, क्योंकि खमन ढोकला जो है वो थोड़ा सा गीला गीला सा होता है। अगर हम इसे ऐसा ही सूखा परोस देते हैं तो ये गले में अटकेगा और जूसी नहीं लगेगा, इसलिए हम पहले इसमें पानी ऐड करेंगे। सब तरफ हम इसमें पानी ऐसे स्प्रेड कर लेने वाले हैं, और पानी ऐड करने के बाद में आप देख सकते हैं इसकी जो ऊपर की स्किन है वो थोड़ी सी सिकुड़ गई है। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। और अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। ढोकला हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है, पहले हम उसमें कट लगा लेते हैं।
और ढोकले के जो पीसेस हैं मैंने थोड़े से बड़े बड़े ही रखे हैं, क्योंकि खमन ढोकला जो है वो बड़ा ही होता है, तो बड़े पीसेस में हम इसे कट करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि ढोकला कभी भी ठंडा कर कर ही काटें, इसे आप अगर गर्म ढोकले में कट कर लेते हैं तो ये प्रॉपर कट नहीं होगा। तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, यहाँ पर 2 टेबलस्पून तेल का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे राई, 1 चम्मच राई का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और गैस की फ्लेम को बढ़ा दूँगी। 1 पिंच यहाँ पर हींग का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च है। 1 चम्मच मैं यहाँ पर सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे करी पत्ते। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब पानी। एक चम्मच शक्कर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़का हमारा रेडी हो चुका है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ढोकले के तड़के को हम ढोकले के ऊपर इवनली स्प्रेड कर देंगे, सब तरफ एक जैसा फैला लेना है। लास्ट में हम इस पर ऐड करेंगे कुछ धनिया पत्ती कटी हुई, और तैयार है हमारा ढोकला। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब हम इसे निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो ढोकला है वो कितना स्पॉन्जी बना है, सब तरफ से बहुत ही अच्छी जाली आई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तैयार है हमारा ढोकला खाने के लिए। आप देख सकते हैं ये बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनता है। अगर आप सेम मेजरमेंट के साथ में बनाते हैं तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका ढोकला कैसा बना था। और भी कोई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी बताइए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।